नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। श्री हर्ष और उनके नैषधीय चरितम का परिचय देखते हैं। पहले जैसा कि परंपरा है, कवि का परिचय देखते हैं। महाकवि श्री हर्ष पंडित श्री हर्ष के नाम से जाने जाते हैं। उनका नाम लेना हो तो आगे श्री लगाना बड़ा जरूरी है। दूसरे जो कवि हैं हर्षवर्धन, उनको महाकवि हर्ष कह सकते हैं, लेकिन ये ऐसे महान विद्वान थे कि इनको तो श्री हर्ष ही कहना पड़ता है और तभी इनकी पहचान होती है। इन्होंने अपने नैषधीय चरितम में अपने परिचय के संदर्भ में काफी कुछ वर्णन किया है, विशेष करके अपने क्रियाकलापों या अपने कार्यों के संदर्भ में कि वो कान्यकुब्जेश्वर के यहाँ थे, इसका उल्लेख उन्होंने किया है। इन आधारों पे आपका परिचय प्राप्त करना कठिन नहीं है, लेकिन अगर संस्कृत साहित्य के किसी महाकवि और विद्वान का परिचय इतना सरल हो जाए तो फिर संस्कृत साहित्य की जो विशेषता है वही खत्म हो जाएगी। इसलिए जो उनके अपने रचना में उनके स्वरचित श्लोक हैं, उनके लिए भी कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि उन्होंने खुद नहीं लिखे, क्योंकि संस्कृत का कोई विद्वान इस तरीके से आत्मश्लाघा कर ही नहीं सकता है। लेकिन मैं उन्हीं श्लोकों को आधार मानता हूं और उसके अनुसार श्रीहर्ष का जो परिचय है उसको देखेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले श्रीहर्ष अपने पिता का नाम हीर लिखते हैं। हीर उनके पिता का नाम था और मामल्ल देवी उनकी माता का नाम था। कान्यकुब्जेश्वर कन्नौज नरेश के पास से उनको पान और बीड़ा, दो पान, ये उस समय की एक परंपरा हुआ करती थी। आज भी जो वैष्णव लोग हैं उनके यहाँ इस प्रकार की एक परंपरा पाई जाती है कि अगर वैष्णव गुरुओं के यहाँ या किसी के यहाँ आप जाएंगे तो वीणा और पान से, पान का बनाया हुआ वीड़ा होता है, उसी को वीड़ा कहा जाता है, उससे अगर आप श्रेष्ठ हैं तो आपका सम्मान किया जाता है और वो मान सम्मान का जो अधिकारी है उसी को वो मिलता है, तो इसका उल्लेख उन्होंने किया है। इतिहास में हर्ष नाम के दो से तीन कवि पाए जाते हैं। एक तो हर्षवर्धन जिन्होंने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद रचनाएं लिखी, वो स्वयं कान्यकुब्ज नरेश थे, वहां के राजा थे। दूसरे कल्लण ने अपनी राजतरंगिणी में उनका उल्लेख किया है, वो भी सत्कवि और उत्तम विद्वान थे, लेकिन वो भी राजा थे। इसलिए इन हर्ष कवि को उन दोनों जो कि राजा थे उन कवियों से अलग करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है, क्योंकि ये स्वयं लिखते हैं कि ये राजा नहीं थे, ये राजा के आश्रय में थे। अब इनके समय की बात करें तो समय तो बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि इन्होंने जिन कान्यकुब्ज के राजा का उल्लेख किया है वो जयचंद या जयंत कुछ इस तरीके के नाम पाए जाते हैं, वही इतिहास प्रसिद्ध जयचंद्र नाम है। और वो राजा जो हैं उनका समय 1156 के आसपास, यानी 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, ये इनका समय माना जा सकता है, यही इनका समय था, ये निश्चित है, इसमें कोई शंका के लिए अवकाश नहीं है। इसके बाह्य और आंतरिक जो जिसको हम कहेंगे साक्ष्य वो भी विद्यमान है, क्योंकि उसके बाद के कवियों ने इनका उल्लेख किया है, इनकी रचना में से पद्यों का उल्लेख किया है। इनके स्थान की बात अगर करें तो स्वयं ये लिखते हैं कि ये कान्यकुब्ज के थे यानी कन्नौज के थे, लेकिन कुछ विद्वान कहते कि वो उनकी माता का नाम जिस प्रकार से मामल्ल देवी था उस हिसाब से कुछ दक्षिणात्य होने चाहिए या बंगाली होने चाहिए,
कुछ लोग उनको काश्मीर का मानते हैं। तो ये तो मैंने जैसा कि आपसे कहा कि संस्कृत साहित्य है, तो वहाँ इतिहास की जब भी आप बात करेंगे तो कुछ ना कुछ विवाद बने रहेंगे। लेकिन जब हमें साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, कभी खुद कह रहा है कि मैं कान्यकुब्ज नरेश के पास रहता था, तो हमें उस चीज को स्वीकार कर लेना चाहिए। अब उनका जन्म कहाँ हुआ था, इस चक्कर में पड़ के हम उनकी कर्म भूमि को भूल जाएं, उसका कोई अर्थ नहीं है। अब इन श्री हर्ष के जीवन से संबंधित कुछ दंत कथाएं हैं, जरा हम उनको भी जानें। ऐसा कहते हैं कि एक पंडित उदयन, कुछ लोग उदयनाचार्य के साथ इसको जोड़ते हैं, इनके पिता हीर बड़े विद्वान थे और उन दोनों के बीच में शास्त्रार्थ हुआ और उस शास्त्रार्थ में इनके पिता पराजित हुए। श्रीहर्ष तो बालक थे, छोटे थे। पराजित पिता इस पराजय को स्वीकार नहीं कर पाए और उसी आघात में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन मरने से पहले उन्होंने अपने पुत्र से, जो अभी छोटा ही था, वचन लिया कि इसका बदला तुम्हें लेना है। इसका बदला लेने के लिए संस्कृत की परंपरा ये नहीं कि उसको आप मार दीजिए, लेकिन आप उससे बड़े विद्वान बनिए, मैं जितना बड़ा विद्वान हूं उससे बड़े विद्वान बनना, और फिर उस विद्वान को तुम्हें शास्त्रार्थ में पराजित करना है, तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। कई विद्वानों के पास अध्ययन करके विद्वत्ता प्राप्त की, लेकिन फिर भी जब खुद को संतोष नहीं हुआ तो चिंतामणि मंत्र का जाप करके उन्होंने साक्षात सरस्वती देवी की सिद्धि प्राप्त की, और उनके वरदान के कारण आपकी विद्वत्ता इतनी प्रभावशाली हो गई कि आप अगर कुछ बोलते थे तो वो भी लोगों की समझ में नहीं आता। आपका वैदुष्य इतना बढ़ गया कि आपकी कही हुई बातें, आपका लिखा हुआ साहित्य, लोग उसको किसी भी तरह से नहीं समझ पाते थे। तो दंत कथा ये कहती है कि आपने पुनः देवी की उपासना की और उनसे कहा कि माता इतना तो कर दो कि लोग मेरी बात को समझ पाएं, सबके सिर के ऊपर से बाउंसर की तरह से मेरा सब कुछ चला जाए, तो फिर तो ऐसी विद्वत्ता तो समाज के लिए उसका कोई उपयोग ही नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि रात्रि के समय दही खा के ठंडे पानी से स्नान करोगे तो तुम्हारी बुद्धि थोड़ी कुंठित हो जाएगी। और इस प्रकार से जिन्होंने स्वयं अपनी बुद्धि को कुंठित करने के लिए माता से प्रार्थना की, ऐसे ये महान विद्वान, ऐसे ये महान कवि, और कवि कहना तो मुझे उतना योग्य नहीं लगता है क्योंकि कवि तो है ये, लेकिन महान कवि नहीं, महान पंडित है, महान विद्वान है, क्योंकि इन्होंने कविता को पीछे रख के अपनी विद्वत्ता को आगे प्रदर्शित किया है। जैसा हम नैषधीय चरितम की जब समीक्षा करेंगे तो उसमें हम इस चीज को देखेंगे। तो ऐसे महान विद्वान थे ये, विशेष करके किसी एक क्षेत्र की विद्वत्ता इनके पास नहीं थी। इनके पास दर्शन का ज्ञान, इनके पास व्याकरण का ज्ञान, जो भी शास्त्र हैं सभी शास्त्रों में जैसे वो पारंगत हों, ये उनका वैशिष्ट्य था। वास्तव में तो स्थिति इसी प्रकार की हुआ करती थी। पुराने समय में किसी एक विषय को लेकर के विद्वान, वो विद्वान नहीं कहा जाता था। जो किसी, मान लीजिए किसी ने साहित्य में एमए कर लिया और वो साहित्य बड़ा अच्छा जानता हो लेकिन व्याकरण का उसको बिल्कुल ज्ञान नहीं हो, तो हमारी परंपरा ऐसे विद्वानों को विद्वान नहीं कहा करती। अब तो हर चीज में एक ही क्षेत्रीय चीजें आती चली जा रही हैं। आंख का डॉक्टर है तो आंख का ही डॉक्टर है, तो वो आपका पेट नहीं देखेगा, सिर का डॉक्टर है तो सिर देखेगा। खैर वो एक चीज है, लेकिन विद्वान के लिए तो सभी शास्त्रों के विषय में उसको थोड़ा बहुत तो जानकारी होनी चाहिए। लेकिन ये थोड़ी बहुत जानकारी नहीं रखते थे, ये बहुत ही गहन जानकारी रखते थे, बहुत गहन विद्वान थे। इन्होंने राजा के दरबार में जो अपनी विद्वत्ता प्रस्थापित की, राजा की प्रशंसा की श्लेषपूर्ण श्लोक में, तो राजा परम प्रसन्न हुए, इनको मान सम्मान दिया और फिर उन
जो उदयनाचार्य हैं, उदयन पंडित हैं, उनको भी इन्होंने शास्त्रार्थ में पराजित किया और इस प्रकार से अपने पिता की जो हार्दिक इच्छा थी वो इन्होंने पूर्ण की है। इनकी विद्वत्ता का परिचय इनकी रचनाओं से भी मिलता है। जैसे हम माघ को देखें तो उन्होंने एक शिशुपाल वध लिखा या भारवी ने किरातार्जुनीयम लिखा, कुछ ही रचनाएं पाई जाती हैं, लेकिन ये एक ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं जिनमें स्थैर्य विचार प्रकरण, विजय प्रशस्ति, ये प्रशस्ति का भी है, खंडन खंड खाद्य, गौड़ोर विष कुल प्रशस्ति, अर्णव वर्णन छिंद प्रशस्ति, शिव शक्ति सिद्धि, नव साहसांक चरित चंपू और नैषधीय चरितम से तो हम परिचित हैं, उसी की चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। ऐसी इन्होंने कई रचनाएं लिखी हैं। इसमें जो ग्रंथ हैं वो जिसको हम कहेंगे दर्शन के भी ग्रंथ हैं, इसमें प्रशस्ति ग्रंथ भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इनमें। इनका विवेचन फिर कभी हम देखेंगे। अभी श्री हर्ष के परिचय में इतना ही, अगले परिचय में समय को याद कर लीजिए, इनका समय 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। स्थान की बात करें तो ये कान्यकुब्ज के रहने वाले थे, कन्नौज के रहने वाले थे, ये हम मान सकते हैं। इनके पिता का नाम हीर था और इनकी माता का नाम मामल्य देवी था। ये इनकी मुख्य बातें हैं और रचनाओं की पूरी लिस्ट मैंने आपको दे दी, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। रचनाओं में स्थैर्य विचार प्रकरण, विजय प्रशस्ति, खंडन खंड खाद्य, गौड़ोर विष कुल प्रशस्ति, अर्णव वर्णन छिंद प्रशस्ति, शिव शक्ति सिद्धि, नव साहसांक चरित चंपू और नैषधीय चरितम जिसके लिए आप जाने जाते हैं, ये इनकी रचनाएं हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम नैषधीय चरितम की संक्षेप में कथानक और उसकी चर्चा करेंगे। देखते रहिए, मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति।